गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यार सुबह हो चुकी है और धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, तो आज मैंने सोचा कि आज गार्डन ज़रा साफ़ करा जाए। फ्रंट का गार्डन भी बहुत ज़्यादा उसकी घास पड़ गई है, क्योंकि मेरा जो लॉन मोवर है वो फ्रंट में जाता नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको डालूँ आगे, आज देखता हूँ कि क्या होता है। लेकिन आज मेरा काम है पूरा गार्डन सही करना, आज मेरी लास्ट छुट्टी है, तो बस आज मैं गार्डन सही करूँगा। ये करेगा यहाँ का सफाई, मैं करूँगा कॉर्नर सारे। आज मैंने टूल निकाल लिया अपना, और यार ये ऐसी चीज़ें ना ये निकालूंगा बीच में से। मैं जाता हूँ पहले फ्रंट करता हूँ, फ्रंट की तो बहुत गंदी हालत है। फ्रंट की हालत देखो कितनी ज़्यादा है। लहरा रहे हैं, इसको मैं इससे करूँगा। हालत ख़राब हो चुकी है, आगे वाले गार्डन में इतनी ठंड है, लेकिन हो गया है, अब सिर्फ वॉश करना रह गया। दिखाता हूँ आपको, अब इसको सारा वॉश करना है बस। हमारी ना सारी घास ख़राब हो जाती है एंड में, क्योंकि धूप इतनी आती नहीं है फ्रंट में। ये कल तक ठीक हो जाएगी, सारी घास खड़ी हो जाएगी। अब करते हैं बैक गार्डन यार। अरे रह गया, अब कहोगे घास तो ऑलरेडी इतनी अच्छी है, लेकिन ये साइड्स की जो है ना सारी चीजें, अब ये सारी ठीक करूंगा। बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, तो मैंने कहा एक नींबू पानी पिलाया जाए। हाँ अभी धूप चली गई यार। हाँ धूप का बड़ा ही प्रॉब्लम है। मैं ना फटाफट से सुपरमार्केट जा रही हूँ तो, और सैलड वगैरह लेके आ रही हूँ, तो फटाफट से एक अच्छी सैलड बना के भी खिलाती हूँ, ठीक है? अभी यहाँ मत आना, अभी यहाँ मत आना, अभी डैडी को वॉश करने दो। तू ना बहुत मेहनत कर रहे हो यार, बस करो, होने वाला है। देख लिया हमने आपका डांस, चलो स्कूल खुल जाने, दो दिनों में डांस का पता लगेगा फिर। भाई बंदे ने ना सारी बीट सब कुछ निकाल दिया। हेलो गाइस, कैसे हो भाई? तो हमें कुछ 3 से 4 दिन हो गए हैं वापस आए हुए सेंट्रल पार्क से, तो मैंने 3 दिन व्लॉगिंग नहीं करी, बिकॉज घर भर संभालना था, बहुत सारी और भी चीजें चल रही थी। सौरभ को अपने वर्क ट्रिप के लिए भी निकलना था, वो न्यूकासल गया हुआ था, फिर ही केम बैक ऑल्सो। बाकी आज है फ्राइडे। सबसे पहले जो जो लोग मना रहे हैं ईद, उनको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो भाई। आई होप कि आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत इंजॉय कर रहे हो। रमादान के महीने के बाद जब ईद आती है, तो मैं समझ सकती हूँ हाउ डू यू फील। और हैट्स ऑफ टू यू गाइस यार, रमादान में आप लोग जो ये फास्ट रखते हो, सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाते हो, भूखे रहते हो, और ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं होती, पूरा 1 महीना चलती है ये चीज़। मैंने ये खुद चीज़ विटनेस करी है जब मैं दुबई में रहती थी, तो मैंने 3 से 4 साल तक देखा है लोगों को रमादान सेलिब्रेट करते हुए, और दुबई में तो एक अलग ही माहौल होता था रमादान के दौरान। सो आई रियली एंजॉयड दैट टाइम विद माय फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग ये वाली ईद बहुत एंजॉय कर रहे हो, और ये वाली ईद बहुत बहुत खुशियां लेकर आए आप सबकी जिंदगी में। और वेल, मैं थोड़ी सी दुखी हूँ आज। दुखी इसलिए हूँ, मैं जब सेंटर पार्क में थी, आज का जो वेदर है वो ये दिखा रहा था कि आज ना 17 डिग्री होगा ब्रिस्टल में, ठीक है, इनफैक्ट बहुत सारी और जगहों पर भी, लेकिन पता है बारिश हो रही है, ठीक है, और 17 डिग्री वाला वेदर उठ के आ गया सीधा 8 डिग्री पे। इंद्र देवता कितने प्रसन्न होंगे यूके पे, बारिश शुरू हो गई है दोबारा। पता है बारिश भी एक होती है कि बारिश पड़ी, पानी पानी हुआ, देन फिनिश, नहीं यार वो गिरती रहती है, ड्रिसलिंग होती रहती है, इतनी बुरी लगती है ना मुझे। एनीवे गाइस, मैं जा रही हूँ इंडियन मार्केट। चश्मे कैसे लग रहे हैं मेरे नए वाले? बालों की हालत बहुत बुरी है, इग्नोर कर देना। तो ये मैंने H&M से लिए हैं कुछ 8 पाउंड के, बहुत प्यारे चश्मे यार, बड़े मजेदार है, मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं। पीछे जो जैकेट टंगी हुई है पहले तो आप उसे इग्नोर कर देना, यहाँ पे जितनी मर्जी अलमारियां बनवा लो, भैया ने आकर जैकेट वही दरवाजे पर ही टांगनी है।
एनीवे तो मैं इंडियन मार्केट जा रही हूँ क्योंकि वीकेंड पे आने वाले हैं कुछ खास मेहमान, तो बस मैंने और मेरा पेंट्री का काम भी पड़ा हुआ है तो वो सब चीजें भी लेके आनी है। तो चलते हैं इंडियन मार्केट, सामान वामान खरीदते हैं, इस वीकेंड पे खूब सारी कुकिंग करेंगे, आपको भी दिखाएंगे और मजे करेंगे। ठीक है, चलते हैं फटाफट से इंडियन मार्केट। दीज़ ऑल आर माय बैग्स। Okay. Do you want somebody to give you a hand there? Thank you, Jay. Thank you so much. मेरी गाड़ी बस इस गली में खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं आप मुझे दे दीजिए, मेरी डिक्की पूरी भरी पड़ी है। चलो मैं, नहीं कोई बात नहीं, मैं ले लूँगी। ये हैवी है। नहीं कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। थैंक यू जी, ईद मुबारक। सो इतनी सारी शॉपिंग हो गई है इंडियन मार्केट से। तो इंडियन ग्रॉसरी शॉपिंग हो चुकी है, दालें आ चुकी हैं, घर में बहुत सारी दालें ख़त्म हो रखी थी, मसाले बहुत सारे ख़त्म हो रखे थे, मुझे ना एक नटमेग चाहिए था वो नहीं मिला मुझे बस। चलो कोई नहीं, अचार आ गया भाई, ये अहमद, हम लोग ना ये वाला अचार खाते हैं अहमद का, मैंगो पिकल, बहुत स्वाद होता है, और उसी का मैं मिर्च वाला भी लेके आई हूँ तो मज़ा आएगा खाने में। और जब मैं चिकन बनाती हूँ ना तो आई लाइक टू यूज़ शान का मसाला, और जब भी मेरी कोई वेजिटेरियन चीज़ें बनती हैं तो यू नो MDH इज़ द बेस्ट। तो सारे मसाले, हर तरह का मसाला आ चुका है। तो जब मैं इंडियन मार्केट जाती हूँ तो मैं सब्जियाँ वहाँ से इतनी सारी नहीं खरीदती हूँ, बट हाँ मेन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे इंडियन मार्केट से ख़रीदना बहुत अच्छा लगता है, वो है धनिया पुदीना, बहुत फ्रेश धनिया पुदीना मिलता है, करी लीव्स, फ्रेश करी लीव्स, हरी मिर्चें, और आज तो आम भी आए हुए थे लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ख़त्म हो चुके थे, बट आई मैनेज टू बाय 2 mangoes। तो यू नो आप लोगों को सुनने में कितना अजीब लग रहा होगा ना, जो इंडिया पाकिस्तान में होंगे, 2 mango, क्योंकि 2 mango तो आते ही नहीं ना किसी के घर में, 2 kilo या 4 kilo आते हैं, बट यहाँ पर यही है, क्या करें। 2 बढ़िया से mango मैं ले आई हूँ, सीज़न के पहले मैंगो हैं हमारे, और अमरूद लेकर आई हूँ मैं, और ये अदरक और लहसुन। ज़्यादातर मैं अपनी जो वेजिटेबल्स है ना वो आज़दा से ख़रीदना प्रेफर करती हूँ। और यहाँ देखो खजाना आ चुका है भाई, सारा इंडियन स्नैक्स आ चुका है, इमली का पानी आ चुका है, तो वीकेंड पे बनने वाले हैं गोलगप्पे, तो मज़ा आएगा। एक दिन यार घर में ट्राई करूँगी, लेकिन मुझे पता है मेरे पास वीकेंड पे बहुत कम टाइम होगा, इसलिए मैं बने बनाए गोलगप्पे ले आई हूँ, लेकिन पानी बहन घर में बनाएगी, थोड़ा सा उसमें ऐड करेगी ये वाला पानी तो मस्त बन जाएगा। बस अब फटाफट से वाइप पे सैनिटाइजर लगा के इन सबको करते हैं सैनिटाइज। तो मैंने पुदीना साफ कर लिया है, मैं पूरा पैकेट बना लिया है एक साफ पुदीने के पत्तों का, तो उस दिन ड्रिंक्स वगैरह बनाएंगे वीकेंड पे, तो ये काम आएंगे पुदीने के पत्ते, और ये जो पुदीने के पत्ते हैं इनकी मैं चटनी बना लूँगी। तो यहाँ पर ना धनिया पुदीना एक्चुअली बहुत साफ आते हैं लेकिन ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, ठीक है। तो बस ऐसे धनिया आया है तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको ऐसे से एक और बंडल था उसके मैंने ऐसे ये काट लिया, ठीक है, और बाकी साफ पत्तों को अभी मैंने वॉश नहीं कराया, इनको मैं तब वॉश करूँगी जब मैं यूज़ करूँगी, तो मैंने इनको ऐसे फूड बैग में डाल दिया है। अब दूसरी वाली बंडल को भी मैं ऐसे ही करूँगी, इनको मैं अब अच्छी तरह से साफ करके जो भी साफ साफ पत्ते होंगे वो पुदीने के अंदर डाल के चटनी में काम आ जाएंगे। तो हो गए मेरे पुदीने और धनिया के पैकेट तैयार, आप चाहो तो आप इनको चॉप करके भी रख सकते हो, लेकिन मैंने इनको ऐसे ही रख दिया क्योंकि टाइम की है कमी। इस तरह से ना काफ़ी देर तक धनिया और पुदीना चल जाता है, ठीक है, अगर आप वॉश कर, आप आते साथ ही इनको वॉश कर दोगे ना तो वहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, मेरे हिसाब से काफ़ी देर तक चल जाएगा, आई थिंक 1-1.5 week कहीं नहीं गया। और मैंने ना सारी सब्जियां वब्जियाँ सब कुछ संभाल लिया था, और मैंने कल रात को थोड़े से राजमा भिगो दिए थे, तो बड़ा मन हो रहा था राजमा खाने का, तो ज़्यादा तो नहीं लेकिन मैंने थोड़े से राजमा बनाए हैं, मैंने कहा चलो सौरभ का बड़ा मन हो रहा था और मेरा भी बहुत मन हो रहा था बहुत दिनों से, तो फटाफट से बन गए, पता है थोड़े से ही चल रहे थे लाइक एक कटोरी, और आई एम सो ग्लैड दैट आई मैनेज टू कुक देम। वो भी मैं मतलब कि दोपहर में ना मैं इतनी जल्दी खाना बनाती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि हम दोपहर में खाना खाते नहीं हैं, ज़्यादातर 3-4 बजे खाते हैं, जब अबीर आता है तब अपनी इंटरमीडिएट फास्टिंग ब्रेक करते हैं, लेकिन अब आई एम सो हैप्पी, बहुत दिनों बाद राजमा बनाया है मैंने, आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो आप राजमा, मतलब बहुत जल्दी में बनाए हैं, थोड़े वो थिक थिक बने हैं लेकिन अच्छे लग रहे हैं, मैंने खा कर देखे हैं, स्वाद है। तो सूरी साहब के लिए मैंने रेडी कर दिया उनकी प्लेट, इसमें डालेंगे गरम गरम चावल, ये लो जी राजमा चावल विद कटा हुआ प्याज,
एंड हरी चटनी। थोड़ी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मेरी कॉल है, मुझे जाना है, 10 मिनट में खा के मैं जा रहा हूँ, ठीक है? ऊपर ही लेके जा रहा हूँ इसको। चम्मच येरी, चम्मच येरी, ये लो चम्मच, ठीक है? मेरी कॉल में बाद में देता हूँ। आप नहीं खा रहे? मुझे एक बात पूछनी थी आपसे, ये क्या अलमारी है ये जहाँ आप अपनी? पहन के जाऊंगा ना थोड़ी देर में, अभी ले जाऊंगा। सॉरी, मैंने आपको हजार दफा कहा है कि ये, आप नहीं खा रहे डार्लिंग? मैंने आपको हजार दफा कहा है कि आप ये जैकेट प्लीज अलमारी में टांगा करें। चलो मैं जाऊं? जी, एंजॉय करें आप। आपने सुबह मांगे थे ना, आपने एक बार भी जिक्र नहीं करा इस बारे में कि सुबह मैंने राजमा चावल मांगे, बंदी ने बना कर दे दिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, मैं बोल चुका हूँ, मैं इनके सबके सामने नहीं बोला। आए, मैं, बस गल्ला चुपके च बोल जाते ना, सब सारे सामने बोलने वाली। मैंने इसको कहा कि कल, मैं तो वीकेंड सोच रहा था कि तू वीकेंड में बनाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपने कहा, हमने सुना। इतना प्यार कहाँ मिलेगा बताओ। हुण तुसीं खा लो आराम ना बह के, ते मेरे दिल नूं संतुष्टि मिल जाए। अभी सूरी वापिस आ चुके हैं, राजमा चावल खा रहे हैं वीर। मम्मी, मम्मी ने प्यार भेजा वीर राजमा चावल के साथ। और क्या बैड न्यूज क्या है तीन तीन आज बता दो। चल पहले गुड न्यूज बता दे। स्लीप ओवर इज अ गुड न्यूज। यू कैन स्लीप विदाउट मी। व्हाट डू यू थिंक? यू कैन। Okay, so, okay. And I mean, what's the other good news? Is I got 14th place in cross country. Out of how many? 48. Children in our class. Okay, good. Like, not in your class, like, you know, all the classes. No, we're not racing in... Like all the year three, right? Yeah, all the year three. And yeah. That's why 48. Okay, good. And what are the bad news? Three bad news. I'm more interested in that at the moment. Mm-hmm. Don't tell me. तो अभी सूर्य में जंपर घुमाए आए हैं, अपनी हैट घुमा दी है, अपनी वाटर बॉटल घुमा दी है, तो मैं घर से तो नहीं ले आया, अच्छी बात है। चलो मम्मी से बात करते हैं चल के। मैं जा रही थी शावर लेने, मैंने कहा शावर लेने से पहले मैं ब्लॉग का कर देती हूँ एंड, फिर अभी स्कूल से आ जाएगा और यू नो फिर वही चीजें शुरू हो जाएंगी। हाउएवर जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू गाइस, मैंने एक ही नई सेल्फी स्टिक खरीदी है, आई होप, देखती हूँ कैसी जाएगी। बड़ी सस्ती है यार, मैंने अमेजोन से ली है, लेट मी यूज इट, अगर ये अच्छी हुई तो मैं आप लोगों के साथ इसका लिंक जरूर शेयर करूंगी। और या आई लाइक इट बिकॉज आई एम डूइंग दैट 10 किलोमीटर रन, तो उसके लिए मुझे एक हल्की सी सेल्फी स्टिक चाहिए थी, क्योंकि 10 किलोमीटर के रन में ना आप कोई भी भारी गैजेट्स अपने साथ लेके नहीं भाग सकते हो, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो मना करते हैं, आप खुद ही नहीं भाग पाओगे। जितना हो सके आप यू नो आपका आपके पास वेट कम होना चाहिए जब आप ऐसे रन के लिए जाओ। तो मेरा फोन जो आईफोन 14 है वो वैसे ही थोड़ा सा भारी है, आपको पता ही है एप्पल के आईफोन्स थोड़े भारी होते हैं, तो मुझे पर एक सेल्फी स्टिक भी चाहिए थी, तो मैंने अब ये मंगवाई है। लेट्स सी, इसका तो कोई वेट ही नहीं है, यू नो बड़ी हल्की सी लग रही है, बट आई यूज इट, आई होप कि अच्छी निकले। कई बार ना अमेजोन के प्रोडक्ट थोड़े से यू नो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। एनीवे गाइस, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अब हम वापस आ चुके हैं तो आप बहुत सारा हमारा फैमिली कंटेंट देखोगे और मैं आपके साथ आने वाले दिनों में बड़ी सारी चीजें शेयर करूंगी। कल के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी अपनी नई चेयर्स जो हमने अभी कुछ दिन पहले ही मंगवाई हैं। जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं मेरे व्लॉग्स पे उन्होंने देखा होगा, हॉलीडे पर जाने से पहले वो चेयर्स हमें डिलीवर हो गई थी, लेकिन अभी तक मैंने उनकी अनबॉक्सिंग नहीं करी है। तो बस अभी शावर लेके मैं करने वाली हूँ उन चेयर्स की अनबॉक्सिंग, तो आप वो देखोगे मेरे अगले व्लॉग में, ठीक है जी? चलो फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, और आप अपना ख्याल रखिएगा और या अच्छा खाइएगा, अच्छा पाइएगा और अच्छा सोचिएगा। बाय गाइस, टेक केयर।